एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और सुरक्षा बल लगातार उनके खिलाफ सर्च अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस भी ताबड़तोड़ तरीके से इस बात पर लगी हुई है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बहाली के सारे उपाय किए जाए। जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी चुनाव को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां काफी अलर्ट मोड पर हैं और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन भी लगातार आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार तैयारियों में जुटा है। इसी के मद्देनजर जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने जम्मू जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। बैठक जम्मू के जिला पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई है, जिसमें DIG, SSP, इसके अलावा जम्मू जिले के सभी क्षेत्रीय SSP, सभी SDPO, SHO, ISPP और ISBPP शामिल हुए। बैठक के दौरान IPS आनंद जैन ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने सभी को ये सुनिश्चित करने के लिए सतर्क और सक्रिय रहने का निर्देश दिया कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। ADGP ने चुनाव के अवधि के दौरान पैदा होने वाली किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय की जरूरत पर जोर दिया है। ये बात जम्मू कश्मीर पुलिस भी बखूबी समझ रही है कि इस वक्त जो दुश्मन है वो चाहता है कि कैसे भी जम्मू कश्मीर की शांति को भंग किया जाए और जम्मू कश्मीर में होने वाले 3 चरणों में चुनाव को किसी भी तरीके से अव्यवस्थित किया जा सके। यही कारण है कि इस तरह की बैठकें लगातार हो रही हैं और मजबूत समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। IPS आनंद जैन ने बैठक के दौरान तैनाती योजनाओं की समीक्षा भी की है और निर्देश दिया है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल भी तैनात कर दिए जाएं। उन्होंने किसी भी सुरक्षा खतरे को रोकने के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और समय पर जानकारी साझा करने के महत्व पर सभी पुलिस अधिकारियों को जोर देकर कहा है। ADGP ने जिले की समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा भी लिया है और जनशक्ति, रसद और संसाधनों के मामले में पुलिस बल की तत्परता की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में उच्च दृश्यता बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि सुरक्षा जांच और गश्त तेज हो, ताकि कोई भी संदिग्ध पुलिस की निगाहों से चूक ना पाए। कोई भी संदिग्ध अगर किसी भी तरह की गतिविधि को अंजाम देना चाह रहा है तो उस गतिविधि को विफल किया जाए। और खास तौर पर खुफिया इनपुट पर इसलिए भी जोर देने को कहा गया है ताकि आतंकियों या उनके मददगार किसी भी तरह की एक्टिविटी इस इलाके में करें तो उन्हें जल्द से जल्द दबोच भी लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।